आज का विषय बिल्कुल है भावी माता पिता का गर्भपूर्व आहार कैसा हो। आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो आहार शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करती है, यदि वही असंतुलित हो जाए तो शरीर को रोगी भी बना सकती है। आहार का महत्व तो हम सबके लिए है, किंतु गर्भधारण से पूर्व भावी माता पिता का इसका विशेष महत्व है। आहार से शारीरिक पोषण के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पोषण भी होता है, तो आने वाली भावी संतान के लिए उसके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास हेतु गर्भपूर्व आहार कैसा हो, इसके बारे में आज डिटेल से हम लोग जानेंगे। और भावी माता पिता को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ को हम लोग डिटेल में आज समझेंगे। गर्भपूर्व तैयारी, हर माता पिता की, भावी माता पिता की यही इच्छा होती है कि उसके घर एक उच्च स्तरीय आत्मा का आगमन हो। स्वामी विवेकानंद आए, परम पूज्य गुरुदेव आए, एक महामानव आए, एक श्रेष्ठ गुणवान, प्रतिभावान, संस्कारवान संतान आए, पर इसके लिए भावी माता पिता को प्रयास करना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर बनने वाले जो गैमेट्स हैं, जिसे बीज हैं, उसमें श्रेष्ठ गुणों का रोपण हो सके। शास्त्रों में भी अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि ऋषियों को भी अपने मन के मुताबिक श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ा था। आज भावी माता पिता को भी अपने आहार के साथ साथ अपने चिंतन, विचार, भावनाओं को उत्कृष्ट बना करके, एक आदर्श दिनचर्या को अपना करके, योग, आसन, प्राणायाम तथा घर परिवार का वातावरण अच्छा बना करके, अपने गैमेट्स को, अपने अंदर बनने वाले बीज को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बना करके एक संस्कारी, गुणवान, प्रतिभावान, श्रेष्ठ संतान के माता पिता होने का आप गौरव प्राप्त कर सकते हैं। इस तैयारी को आधुनिक भाषा में प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन कहते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में इसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। आहार में हम आज जानते हैं कि क्या खाएं, कितना खाएं, क्या और क्या नहीं खाएं, और क्यों खाएं, और कब कब खाएं, तो इसकी पूरी डिटेल आज हम लोग समझेंगे। तो गर्भपूर्व स्वस्थ आहार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यंत। भावी माता पिता को क्यों? क्योंकि भावी माता पिता एक प्रखर, प्रतिभाशाली, समुन्नत, गुणवान, मनचाही संतान को प्राप्त कर सके। भावी माता पिता शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और बौद्धिक, भावात्मक और भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखते हुए एक समर्थ भावी पीढ़ी का वो निर्माण कर सके। भावी माता पिता के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, ताकि अपने उनके शिशु को बीमारियों से बचाया जा सके। अगर स्वस्थ आहार की कमी हो गई तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ तत्वों की कमी होने से, जैसे कि आपका आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से हाई ब्लड प्रेशर और जिंक की कमी से एबॉर्शन हो सकता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, और फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, बच्चा अपाहिज हो सकता है। ये आप जो न्यूरल ट्यूब, ये देखिए बच्चा को जो है मेनिंगोसील हो सकता है, ये मेनिंगोसील है और ये आपको एनेंकैफली है, इसका मस्तिष्क नहीं बना रहेगा और ये रीढ़ की हड्डी में एक ट्यूमर हो जाता है, जो परमानेंट बच्चा जो है वो हमेशा अपाहिज होगा। तो इसलिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। आयोडीन की कमी से मानसिक स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, गर्भधारण में समस्या हो सकती है, अगर गर्भधारण हो भी गया किसी तरह तो गर्भपात हो सकता है, समय से पहले भी प्रसव हो सकता है, और थायराइड की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार जो है, और आपने जाना कि आहार का गैमेट्स पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बीज पे, आपके अंदर जो बनने वाले बीज हैं उस पे प्रभाव पड़ता है। आपको विज्ञान की क्लास में परम आदरणीय दीदी ने, गायत्री दीदी ने बताया होगा कि किस प्रकार से जो है वो चूहों के उदाहरण को लेके समझाया होगा कि उनके अंदर जो बीमारी के गुण थे, जिससे वो मोटा चूहा था और उसको आहार मेथिलेटेड फूड दिया गया, तो उसके जो बच्चे हुए उसमें वो जीन्स जो थे बीमारी के, वो जो है साइलेंट हो गए, ऑफ की कंडीशन में हो गए, और वो बच्चा जो है उन बीमारियों से बच जाएगा। तो इस प्रकार जो है भावी माता पिता जो है जिस तरह का आहार लेंगे, उनके गैमेट्स में उसी तरह के गुणों का रोपण होता चला जाएगा एपी जीन्स के माध्यम से। तो भावी माता पिता को शारीरिक, मानसिक
और भावनात्मक रूप से आने वाला संतान स्वस्थ रहे, इसके लिए डॉक्टर जो है 3 माह पूर्व जो है आपको फॉलिक एसिड, जिंक, आयोडीन, B12 आदि देते हैं। इसलिए अगर माता पिता सचेत रह करके सभी न्यूट्रिएंट्स को लें तो भविष्य में बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से होने से आप उनको बचा सकते हैं। आप आहार में क्या खाए तो 3 सा आपको याद रखना है। आधुनिक विज्ञान आपको क्या कहता है कि आपका आहार संतुलित हो, जिसके अंदर मूलभूत तत्व और अतिरिक्त पोषक तत्व होने चाहिए। जो हमारे मूलभूत तत्व हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो भाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रो में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आएगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे। तो संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सारे पोषक तत्व तो उचित मात्रा, उचित अनुपात एवं उचित परिमाण में हो। जैसे कि उनकी अनुपात जो है 4 भाग अगर प्रोटीन है तो 4 भाग कार्बोहाइड्रेट और 1 भाग वसा होना चाहिए। उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उनका अमाउंट, मात्रा क्या होनी चाहिए, कम आपको 1600 से, भावी माता पिता को 1600 से 1800 कैलोरी से अधिक नहीं लेना है। और जो आप आहार लें वो गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आपने लग्जरी कार खरीदा तो आप जो है साधारण पेट्रोल थोड़ी डालते हैं, उसके अंदर प्रीमियम पेट्रोल डालते हैं। और शास्त्र क्या बोलता है कि हमारा आहार संतुलित तो हो ही, उसके साथ सात्विक और संस्कारित भी होना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और बोलता है शास्त्र कि हमें हित भुक, मित भुक और ऋत भुक होना चाहिए। हित भुक मतलब कि जो हमारे लिए हितकारी हो उसी का सेवन करें, अपने जवान की चाटुकारिता के लिए पिज्जा, मोमो, बर्गर, समोसे आदि न खाएं। और मित भुक मतलब जितना आपका खुराक हो, जितना पेट हो, उसके आधा पेट खाएं और 1/4 भाग पानी के लिए रखें और 1/4 भाग हवा के लिए रखें, ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो जो है अच्छे से मिल सके, उनको मिलने के लिए स्पेस मिले। और ऋत भुक का मतलब जो है ऋतु के अनुसार जो भी आप चीजें, सब्जियां या फल मौजूद हो उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और ऋतु के अनुसार ये दोष जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर हम ऋतु में मिलने वाले जो फल और सब्जियां उनका सेवन करते हैं तो ये दोष हमारे शरीर में बैलेंस रहेंगे और क्या होगा, हमारे बीमारियों से बचाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम आगे अब देखते हैं कि जो हमारे जो तत्व हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें पहला तत्व तो आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है और नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं चाहे रक्त की हों, चाहे मांसपेशियों की, हड्डियों की हों, इस तरह से ये क्या करता है, ये विकास में ये सहायक होता है, विकास का कार्य करता है। ये 18 प्रकार के अमीनो एसिड के साथ मिल करके प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सभी प्रकार के दाल, सभी प्रकार के अनाज हो गए, दूध है, दूध से बने पदार्थ हो गए, टोफू हो गया, और किसी एक तत्व में, एक पदार्थ में आप सोचेंगे कि 18 अमीनो एसिड मिल जाए तो नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आपको हर एक हफ्ते के अंदर हर तरह की दाल, हर तरह के अनाज, दूध और दूध से बने पदार्थ और टोफू का इस्तेमाल करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने मिक्स आटे के लिए इतना सुंदर कॉम्बिनेशन बनाया है कि 7 किलो गेहूं ले लीजिए, 1 किलो चना, 1 किलो रागी और 1 किलो जौ लेकर के आप पिसा करके मिक्स आटे का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपको प्रोटीन जो है अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। टोफू है वो सोयाबीन के दानों से जो पनीर बनता है उसको कहते हैं टोफू। इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसको बनाने के लिए आप 250 ग्राम सोयाबीन लीजिए, उसको 5-6 घंटे तक भिगा करके उसका छिलका उतार के फिर उसको पीस लीजिए और 1 लीटर उबलते पानी में उसको डाल करके उसको 5-7 मिनट तक चलाइए, और उसके बाद उसको छान करके जो दूध निकला उस दूध को आप फाड़ करके उसका टोफू बना सकते हैं। ये टोफू जो है प्रोटीन रिच कंपाउंड है, बहुत ज्यादा होता है। अब आता है दूसरा तत्व कार्बोहाइड्रेट, ये है ऊर्जा का स्रोत। ये इससे ऊर्जा लेते हैं, हमारी कोशिकाएं जो है ऊर्जा लेकर के अपने विकास का कार्य करती हैं। ये कहाँ से मिलता है, हमारे मिक्स अनाज, हर तरह के अनाजों में मिलता है, चावल है, आलू है, शकरकंद है। तो कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए आप मिक्स अनाज लीजिए, चावल जो है आप बिना पॉलिश कर लीजिए, ब्राउन राइस लीजिए, और आलू का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि छिलकेदार आलू रहे। और वसा जो है ये भी ऊर्जा का स्रोत है, पर वसा से हमको ऊर्जा बहुत कम से कम लेना है, और एक दिन में आपको कम 5 चम्मच, चाय के चम्मच से ज्यादा वसा नहीं लेना है।
और ये वसा जो है ये तीन प्रकार का होता है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और ट्रांसफेड। जमने वाले जो वसा होते हैं उनको सेचुरेटेड कहते हैं, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसे आपका डालडा हो गया, ये क्या करते हैं हमारे जो नस नाड़ियों में जो है ये जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, हमारे हार्ट के आर्टरीज में जाकर डिपॉजिट होते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और हार्ट डिजीज को पैदा कर सकता है। और जो अनसेचुरेटेड फैट है, जैसे न जमने वाले, आपका सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल, ऑलिव ऑयल, कोलोना, मूंगफली का तेल, सबसे अच्छा सरसों का तेल है, फिल्टर्ड सरसों का तेल आप लिया करिए, पीले सरसों का तेल मिल जाए तो वो अच्छा, तो ये अच्छा है। पर अगर आपने सरसों का तेल लिया ये तो बहुत अच्छा है, और इसको समोसे और पकौड़ियां छान करके जो बचे हुए तेल को फिर से इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा ट्रांस फैट हो जाता है। ये बहुत ही हानिकारक है, इसको नहीं यूज करना चाहिए, ये भी नस नाड़ियों में जाएगा, इसके साथ ये हार्ट डिजीज तो पैदा करता है और कैंसर का भी ये दावत देता है। तो इस तरह से, और जमने वालों में सिर्फ एक ही चीज, जो देशी गाय का जो घी होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। अब आया माइक्रो मॉलिक्यूल्स, खत्म हुए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम क्या लेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या करते हैं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, अंकुरित अनाजों से बहुत अच्छे मात्रा में ये मिलता है। जैसे 25 ग्राम आप मूंग ले लीजिए, 15 ग्राम चना और 10 ग्राम मूंगफली को मिला करके आप जो है इसको धुल करके 2 दिन का अंकुरित कर ले। इस अंकुरित में क्या होता है, बहुत सारे फायदे हैं। पहला ये कि जो रासायनिक खाद का कुप्रभाव है वो आपका दूर हो जाता है। दूसरा, जो विटामिन्स हैं वो सैकड़ों गुना इसमें बढ़ जाते हैं, इसमें एंजाइम्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी पाचन संस्थान मजबूत बनता है, त्वचा चमकदार हो जाती है, खून की कमी को दूर करता है, बालों का झड़ना रोकता है, दिल और आंखों के लिए बहुत लाभदायक है और दिमाग को तेज करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जो है ये कम करता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसलिए बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो हमें कैसे करना चाहिए, हमें जो आपको विभिन्न मौसम में जो भी फल और सब्जियां मिल रही हैं, रेनबो डाइट कहते हैं, सतरंगी रंग बिरंगी सब्जियां इस्तेमाल करिए, आप रंग बिरंगी फलों को इस्तेमाल करिए, रेनबो डाइट खाइए, ये आपके लिए फायदा है। क्योंकि ओरिजिनल, रीजनल और सीजनल लेना चाहिए, जो प्रकृति में भगवान ने जिस रूप में दिया है उसमें कोशिश करना चाहिए उसी रूप में ले, उसकी गुणवत्ता या पौष्टिकता में किसी तरह कोई ज्यादा परिवर्तन न होने पाए। और हमारे रीजन में, हमारे क्षेत्र में, हमारे सीजन में जो मिलता है उसी का सेवन करें। ऐसा नहीं कि हमें तो ये फला चीज बहुत पसंद है और वो पता चला इंडिया में भी नहीं मिलता है, विदेशों में मिलता है, तो उसको खाने से कोई ये नहीं है। जैसे कीवी हो गया, और अगर कोई किसी को पच नहीं पाता है मान लीजिए, तो आप उसको धुल करके अंकुरित को हल्का सा भाप लगा करके भी आप खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब आप समझ गए कि हमको सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गया, माइक्रो मिल गया, और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, सारे मल्टी विटामिन्स मिल गए, तो इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की क्या जरूरत है। पर नहीं, फिर भी आपको अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत है क्योंकि हमारा आपकी पसंद, आपकी जीवन शैली ये इस पे प्रभाव डालता है। इसकी वजह से आपको कोई चीज नहीं पसंद है, हो सकता है उस तत्व की डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो जाए। भोजन को जब आप बनाते हैं तो बहुत सारे भून के बनाते हैं तो पता चलता है कि उसमें बहुत सारे विटामिन उसमें नष्ट हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। अन्य कारण, अन्य भी बहुत कारण हो सकते हैं जिससे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण हमको ऊपर से सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। और कभी कभी शाकाहारी भोजन जो है उसमें आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन D, ये सारी चीजें कम होती है, इसलिए इसको अतिरिक्त लेना पड़ेगा। खून की कमी तो की संभावना तो बहुत ज्यादा रहती है, और अगर ना लिया अतिरिक्त सप्लीमेंट्स तो खून की कमी और हो जाती है। किसी किसी लोगों का पाचन शक्ति थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए किसी पर्टिकुलर तत्व को वो नहीं मिल पाता है, तो अतिरिक्त पोषण बहुत ही आवश्यकता है। अगर जो है भावी माता पिता अपने आहार पे ध्यान दें और अतिरिक्त पोषक तत्व तो लेते रहें, तो किसी तरह के गर्भधारण के बाद जो है कोई जटिलताएं नहीं आएगी, या इंजेक्शन या बोतल नहीं चढ़ाने पड़ेंगे। और कुछ लोग वेगन्स होते हैं जो दूध नहीं पीते हैं, इसलिए नहीं पीते हैं, कहते हैं कि वो बछड़े का वो है, तो उन्हें ये समझाइए
कि बछड़े के पीने से अधिक पर्याप्त मात्रा में दूध रहता है और उसको आप लें, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी के लिए दूध जो है बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं जो आपके बॉडी में उसका रिजर्व होना चाहिए, वरना जो है आने वाला शिशु होगा वो उससे प्रभावित हो जाएगा। जैसे मस्तिष्क से बढ़ते विकास से संबंधित, शारीरिक विकास से संबंधित, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए और स्वच्छ पाचन शक्ति के लिए। अगर जैसे कि माँ को पता ही नहीं चलता है, जब पता चलता है कि वो गर्भ से है तो 1.25 महीना गुजरता है, उस वक्त शिशु का जो है मस्तिष्क पूरी नींव पड़ चुकी रहती है, उसको मस्तिष्क से संबंधित आहार चाहिए। इसलिए आपको अपने बॉडी में इसका रिजर्व करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम आप देखते हैं कि क्या चाहिए आपको। तो संतुलित आहार के साथ साथ मस्तिष्क के विकास के लिए जो आहार चाहिए, जैसे डीएचए हो गया, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड हो गया, कोलीन हो गया, आयोडीन हो गया, फॉलिक एसिड, जिंक, B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो आपको डीएचए कहाँ से मिलेगा? बादाम से मिलेगा, अखरोट अलसी से मिलेगा, कोलीन मूंगफली दूध और दूध से बने पदार्थों में मिलेगा, अगर मक्खन का इस्तेमाल करते हैं तो घर का सफेद मूंगफली। आयोडीन कहाँ है? केला में आयोडीन होता है, छिलकेदार आलू में होता है, नमक में है और दूध से बने पदार्थों में है। फॉलिक एसिड हरी सब्जियां, छोले, दाल, बीन्स आदि में पाए जाते हैं, जो आपको पता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकते हैं, क्योंकि न्यूरल ट्यूब अगर खुली रह गई तो उनको ट्यूमर बन जाता है, जिसे मैनिंगोसील कहते हैं। और जिंक है जो हरी सब्जियां, छोले, दाल, बीन्स में होता है। विटामिन B12 है, सोया मिल्क में हो गया और दूध से बने पदार्थों में हो गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये बीजों में, जैसे अलसी के बीज, अखरोट है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दाल है, सरसों का तेल है इसमें। तो आप इसमें ये देखिए कि अगर आप बीज लेते हैं, अखरोट, बादाम, अलसी के सीड्स वगैरह लेते हैं, अगर आप दूध और दूध से बने पदार्थों को ले रहे हैं, और फलों में एक केला का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, छोले, दाल, बीन्स ले रहे हैं, तो लगभग आपको ये सारे जो मस्तिष्क के विकास से संबंधित आहार है ये आपको मिल जाएंगे। अब आता है दूसरा, कि जब शारीरिक विकास तेजी से होता है, जब मांसपेशियों और हड्डियों का विकास तेजी से हो, उसके लिए आप संतुलित आहार के साथ साथ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, ये चाहिए। तो कैल्शियम के बारे में जानते हैं। कैल्शियम जो है प्रतिदिन आपको 1000 मिलीग्राम लेना चाहिए। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दूध और दूध से बने पदार्थ और बादाम। और विटामिन डी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी की उपस्थिति में कैल्शियम का अवशोषण होता है बॉडी में। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारा कैल्शियम अवशोषित नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। ये बहुत सारे इसके फायदे हैं कि वो हड्डियों का कैल्सिफिकेशन करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। इसके साथ अगर इसकी कमी हो गई किसी तरह से तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि हड्डियां कमजोर हो जाना, दांत का रंग बदलना, भूख में कमी हो गई, मांसपेशियों में दर्द, अगर गर्भ के समय आपकी कैल्शियम आपके शरीर में कम हो गया तो आपको प्री एक्लेम्सिया हो जाएगा, पेशाब में प्रोटीन आने लगेगा, और अधिक कमी से एक्लेम्सिया हो जाएगा और आपको झटके आने लगेंगे, फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब आता है आयरन। आयरन एक लौह तत्व है, इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है, और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो जाता है। जनरली हमारे भारतवर्ष में देखा गया है जो जो फर्टाइल एज होता है, जैसे कि 13 से लेके 48-50 के बीच का जो एज है, इस एज में जनरली हमारे देश में 52% जो महिलाएं जो हैं ये एनीमिक होते हैं, चाहे सीवियर एनीमिया हो, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, माइल्ड हो, ऐसा होता है। तो इसकी कमी से अगर आपको इसका रिजर्व बना करके रखना है, क्योंकि अगर गर्भ धारण कर लिया भाभी माता पिता ने, माता ने, तो उसको उस बीच में उसको कैल्शियम और आयरन का स्टोर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप गर्भ धारण से पहले अपने आयरन को अच्छा बनाए, हीमोग्लोबिन बढ़ा लें, क्योंकि अगर कमी हो गई तो बच्चे का विकास बाधित हो जाएगा, वो बच्चा आपका IUGR हो सकता है, और जो है अगर किसी तरह डिलीवरी में ब्लीडिंग हो गई तो फिर बहुत ही खतरा हो सकता है। ये कहाँ से मिलते हैं इसके अच्छे स्रोत? आपको हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, कुछ अनाजों में मिलता है, बाजरा, रागी, दाल है, गुड़ है, इसके अच्छे स्रोत हैं। लोहे की कढ़ाई में आपको खाना बनाने से भी आपको आयरन के अवशोषण के लिए आपको विटामिन सी अति आवश्यक है, उसकी उपस्थिति में ही ये शोषित होगा। और जब भी आयरन की गोली खाएं, आप एक काम करें कि 1 गिलास नींबू पानी के साथ
खाएं ताकि विटामिन सी मिलता रहे। और आयरन की गोली कभी खाने के साथ नहीं खानी चाहिए, खाली पेट खाना चाहिए। अगर खाना खा लिया तो 2 घंटे बाद खाइए, और अगर नहीं खाए हैं तो खाने से 1 घंटा पहले खा लीजिए। और कैल्शियम की गोली हमेशा खाने के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन आयरन और कैल्शियम दोनों को एक साथ नहीं खाइए। आयरन का लाभ क्या है हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, भ्रूण और माँ के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और खून की कमी को रोकता है। फोलिक एसिड आपको पता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है, और जो है बच्चे को अपाहिज बनाता है, और इसका स्रोत है आपको हरी साग सब्जियां। और उसके बाद आता है मैग्नीशियम, ये किसी ये हड्डियां बनाने में ये भी मदद करता है। ये मिलता है हमारे बीजों से, अलसी हो गया, तरबूज के बीज, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, आपको बादाम हो गए, इनसे मिलता है। और विटामिन डी आपको इसका दूध और दूध से बने पदार्थ इसके अच्छे स्रोत है, और मशरूम है। और जो है धूप में भी 10 से 11 बजे का अगर आप धूप लेते हैं आधे घंटे तक, और अपने शरीर को मैक्सिमम जितना खोल सकते हैं उसको खोल करके लेंगे, तो आपकी त्वचा जो है विटामिन डी बनाने लगेगी। अब जो है हमारा संतुलित आहार के साथ साथ शिशु का, आने वाले शिशु का, या आपके जो अंदर गैमेट्स बन रहे हैं उसके सर्वांगीण विकास हेतु क्या पोषक आहार चाहिए? यह है पानी, फाइबर और थायमिन, B1। तो B1 जो है वो भोजन को ऊर्जा बनाने में मदद करता है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमने लिया तो उसको जल्दी जल्दी वो ऊर्जा बनाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके। ये कहाँ से मिलता है? ये सूरजमुखी के बीज से हो गया, दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, काली उड़द हो गया। और पानी और फाइबर क्या करता है? फाइबर आपको ये दोनों कब्ज दूर करते हैं। पानी आपको पता है 10 से 12 गिलास पानी पीना है। फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक तो अघुलनशील जो कब्ज को दूर करता है, और जो घुलनशील फाइबर होता है हमारे ब्लड में जा करके वो कोलेस्ट्रॉल और शुगर को वो कंट्रोल करता है, कम करता है। और ये फाइबर आप पाए कहाँ से? आप चोकर युक्त आटे का इस्तेमाल करिए, बिना पॉलिश के चावल खाइए, और जो सब्जियां हैं वो रेशेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे लौकी, तरोई, फ्रेंच बीन, टिंडा, पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियां हैं जो ये फाइबर का काम करती हैं। अब आया शरीर को, हम अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति कैसे प्रदान करें, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 विटामिन होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन सी जो है नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद में पाया जाता है, जो खट्टे फल और सब्जियां हैं उसमें पाया जाता है। इसका आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन ई जो है वो बादाम है, मूंगफली है, पालक में पाया जाता है। विटामिन ए जो नारंगी रंग के या पीले रंग के जो फल और सब्जियां हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे गाजर हो गया, पपीता, कद्दू, पका आम, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, और दूध से बने पदार्थ, और रंगीन फल और सब्जियों में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का जो है वो गाजर होता है। अब आया स्वस्थ पाचन शक्ति आप कैसे बना करके रखें हम सबके लिए? इसके लिए हमें फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स लेने। ये फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स कहाँ से मिलेंगे? केला है, गेहूं है, जौ है, दही है, मट्ठा है। ये इसे हम प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कहते हैं। हमारे आंतों में जो है बेनिफिशियल अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये जो है केला, गेहूं, जौ उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में सहायता करता है। और दही और मट्ठा के रूप में हम बैक्टीरिया को अपना ले लेते हैं। अगर किसी वजह से मान लिया कि कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो हमारे जो है आंतों के कुछ बैक्टीरिया नुकसान हो जाते हैं, तो हमारा जो है इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे समय पे डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको? प्रोबायोटिक साथ में एंटीबायोटिक के साथ देते हैं। तो केला, जौ, दही, मट्ठा, ये आपके गैस को ठीक करेगा, आपको इनडाइजेशन को दूर करता है, इस तरह से आपकी पाचन शक्ति को ये स्वस्थ रखेगा। और जो है आपकी थाली कैसी होनी चाहिए? थाली में आप जो है सबसे ज्यादा आपको साबुत अनाज और स्टार्च युक्त सब्जियों को लेना है। ये आपको 300 से 400 ग्राम लेना है। ये आलू है, शकरकंदी, ये इसी के अंतर्गत आप लेंगे। साबुत अनाज हो गया, आपको मिक्स आटे का इस्तेमाल करिए। आप चावल जो है वो ब्राउन राइस करिए, मैदा या सफेद रोटी इससे बचे, और तली भुनी आलू से बचे। उसके बाद आता है सब्जियां। सब्जियां आप 3 से 4 कटोरी आप ले सकते हैं, 300 से 400 ग्राम आप सब्जियां ले सकते हैं। सब्जी में आपका यहाँ पे सारे हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, कंदमूल, उसमें आलू आलू स्टार्च युक्त सब्जियां नहीं रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
जैसे लौकी, तरोई, टिंडा, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सारी सब्जियां हैं, आप ले सकते हैं। गाजर है, मूली है। फल जो है, फल आपको 2 कटोरी लेना है या कोई 2 फल ले लीजिए। तो जैसे कि आप जो है फल जो है खाना खाने के तुरंत बाद मत खाइए, खाना खाने के बाद अगर खाना है तो 1 घंटे बाद खाइए। और फल कभी भी आप जूस के रूप में आपको नहीं लेना है, हमेशा याद रखिए फल हमेशा रॉ खाना है। किस तरह खाना है ठीक है, उसको जूस से बचें। उसके बाद है आपका प्रोटीन। प्रोटीन आप जो है 1.5 कटोरी प्रतिदिन या 60 ग्राम आपको प्रोटीन प्रतिदिन लेना है। आप प्रोटीन जो है सूखे मेवा के रूप में हो गया, अंकुरित के रूप में हो गया, दाल के रूप में लीजिए, बीन्स के रूप में, सोयाबीन या राजमा ऐसे बीन्स के रूप में लीजिए, पनीर के रूप में ले सकते हैं। और उसके बाद जो है जैसे दूध है, दूध से बने पदार्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध आपको 3 प्याला लेने हैं। और जो है वो आप जो है वो उसमें जो वो 1% जो है आप फैट होना चाहिए, फैटलेस आपको दूध लेना है। 300 ml आपको प्रतिदिन लेना है। ये पीपीटी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप जो है दूध को आप जैसे सुबह दूध के रूप में ले सकते हैं, दही के रूप में ले सकते हैं, और जो है आप पनीर के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, 300 ml आपको लेना है दूध, ये आपको पता चल गया। और बिना जो है आप दूध गाय का लीजिए, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आप जो है पनीर हो सकता है, चीज के रूप में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको दूध लेना है। चीनी, देसी खाड़ और गुड़ और शहद, इसको आप समझ लीजिए, गुड़ रहे, चीनी रहे या शहद रहे, तीनों में जो ऊर्जा आपको मिलती है, कैलोरी लगभग सेम मिलती है। लेकिन चीनी को अवॉइड कर ले, क्योंकि ये चीनी को जो साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपकी हड्डियों को गलाता है, ये बोन थी। आप देसी गुड़ ले सकते हैं या ब्राउन शुगर ले सकते हैं या आप शहद ले सकते हैं। पर जैसे गुड़ अगर ले रहे हैं तो उसके साथ आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, आपको आयरन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिलता है। इस तरह से वो ज्यादा फायदेमंद है। और आपको ये कितना लेना है, 5 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। आप ब्राउन शुगर लीजिए तो 5 चम्मच से ज्यादा मत लीजिए। और घी तेल आपको पता है, वो भी आपको 5 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है, और उसकी जगह आपको सरसों का तेल लेना है। और अगर जो कमजोर महिलाएं हैं, जैसे कम वजन की हैं, वो चाहें तो थोड़ा सा अपना तेल का बढ़ा सकती हैं, पर जिनका हेल्थ अच्छा है वो ये कोशिश करें कि 5 चम्मच से भी वो कम तेल का इस्तेमाल करें। आता है पानी, आपको पानी आपको 10 से 12 गिलास पीना है। आपका पानी कैसा होना चाहिए, ताजा, शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। प्रातः काल 3 गिलास, 2 से 3 आप गुनगुना करके पानी पीजिए। उषा पान के रूप में ये क्या करता है, आपके मुंह में जो लार है उससे जो बैक्टीरिया है वो डाइल्यूट होकर के पेट में पहुंचता है, और आपके बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है, सब सिस्टम के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे आप पाचन शक्ति के लिए हमको लार में पर्याप्त पानी होना चाहिए, और अगर पच गया भोजन तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको संचरण के लिए, ऊतकों तक पहुंचाने के लिए पानी चाहिए। ऊतकों तक पहुंच गया और वहां से कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके लिए आपको पानी चाहिए। और कोशिका के अंदर जो विषाक्त तत्व है उसको बाहर निकालने के लिए आंतों के द्वारा, मल के रूप में, गुर्दे के द्वारा, पेशाब के रूप में, त्वचा के द्वारा, पसीने के रूप में, उसको निकालने के लिए भी आपको, एक्सक्रीशन के लिए भी पानी चाहिए। तो इस तरह इसके लाभ आपको पता है, कब्ज दूर करता है, पसीने, पेशाब और मल द्वारा ये शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, और शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बल, उत्साह और धैर्य बढ़ाता है, और त्वचा को नम करता है। पानी आपको क्या करना है, ऊर्जावान बना करके पानी को पीजिए। दोनों हथेलियों में गिलास को रख लीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, प्रार्थना भाव से कि ये पानी हमारा अमृत तुल्य हो जाए जब इसको घूट घूट करके पीजिए, तो ये भावना रहे कि ये पानी नहीं, ये अमृत जा रहा है और हमारे शरीर में जा करके ये अमृत की तरह ये फायदा करेगा। जरूरी नहीं है कि सभी लोग गायत्री मंत्र पढ़ें, जो जिस धर्म के हैं अपने धर्म में
के हिसाब से उसको प्रार्थना करें, उसके पास अच्छे वाइब्रेशंस दे पूरी विश्वास के साथ कि ये पानी नहीं अमृत है। तो और इसको धीरे धीरे घूट करके पिए, और आवश्यकता हो भोजन के समय तो थोड़ा सा एक आध घूट पी ले, और नहीं तो भोजन के 1.5 घंटे बाद उनको पानी पीना चाहिए, या भोजन से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हो। अब ये बात हो गई हमारा, हमारे आहार का और पानी का सारा हो गया। अब आया स्वस्थ आहार या खान पान के बाद उपवास की बहुत जरूरत है। हफ्ते में कम से कम 1 दिन का उपवास, इसके बहुत सारे लाभ हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हैं, वैज्ञानिक लाभ हैं। हमारे शरीर में प्रतिदिन बहुत सारी कोशिकाएं, हजारों कोशिकाएं वो मरती हैं, मरती हैं, और हजारों कोशिकाएं नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो पहले इसका हम आध्यात्मिक लाभ देखते हैं। आध्यात्मिक लाभ में क्या हुआ, बुरी आदतें कम होंगी हमारी, हमारे अंदर आंतरिक शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, भावनात्मक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। चित्त वृत्तियों और हमारे 96 तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका शोधन करता है, उनका प्यूरिफिकेशन करता है। 1 दिन का नहीं तो कम से कम आधे दिन का आप व्रत करने को बताइए, उससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अब ओशिनोरी ओशोमी को 2016 में नोबेल प्राइज मिला। वो इसलिए मिला कि उन्होंने देखा कि जब कोई उपवास करता है तो उनके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ऊर्जा की कमी से क्या होता है, उन्होंने देखा कि ब्लड में जो लाइसोसोम्स नाम की जो कोशिकाएं हैं, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं, उनकी संख्या अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो देखा, और उनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो बढ़ने लगती है, और वो जो हमारे शरीर के अंदर मृतक कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स हैं, उनको खाने लगती हैं, जो उत्तकों के अवशेष पड़े हैं उनको खाने लगती हैं, जो बैक्टीरिया है उनको खाया, वायरस खाया, और खा करके उसको पचा करके ऊर्जा देती हैं। इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला इस प्रयोग के लिए। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, उपवास से लाइसोसोम हमारे शरीर के अंदर सेल्फ क्लीनिंग करता है, हमारी रिसाइकलिंग करता है, हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है, हमारे बॉडी को पूरी रिपेयरिंग मोड पे लेके चला जाता है। इस तरह से क्या होगा, हमारे मोटापा कम होगा, टाइप 2 डायबिटीज है वो कम हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर या हार्ट डिजीज हो गए, अल्जाइमर्स हो गए, पार्किंसनिज्म्स हो गए, ये सारे बीमारियों को ये नियंत्रित करता है। और गांधी जी क्या कहते थे, कहते थे कि अगर आपको बीमारी को भगाना है तो उसको भूखा मारो, भूखा मार करके उसको भगाओ। तो ये तो हमारा हो गया शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अब तक हम जो बातें कह रहे हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य भी जरूरी है, क्योंकि हमारा WHO कहता है कि हर तरह का मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए। ये कैसे मिलेगा, क्योंकि जैसी प्रकृति होती है मनुष्य की, उसी प्रकृति का उसको आहार पसंद होता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, शिशु पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यानी कि सतोगुणी जो मनुष्य होगा उसको सात्विक आहार पसंद होता है, रजोगुणी मनुष्य को राजसिक और तमोगुणी मनुष्य को तामसिक आहार। लेकिन अगर कोई रजोगुण मनुष्य है, अगर वो बार बार सात्विक आहार पे है, बहुत दिनों तक धीरे धीरे सात्विक आहार पे है, तो उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी, वो सत्वगुणी हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम आगे देखें कि सात्विक भोजन है कि गीता में कहा है, जो रसमय है, जो स्निग्ध है, जो स्वादप्रद है और हृदय को भाने वाला होता है, इसको जो है हम सात्विक भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन आप देखते हैं, वह संतुलित भोजन जो शाकाहार से बनाया गया हो, जिसमें सारे पोषक तत्व हो, और जिसको कम तेल मसाले में बनाया जाए, धीमी आंच पे पकाया जाए, भाप में पकाया जाए, और जिसके अंदर जो तत्व हैं वो ताजे हों, फल और सब्जियों से बना आहार, ऐसे आहार को हम सात्विक आहार कहते हैं। ध्यान रखिए, सात्विक और शाकाहारी आहार में डिफरेंस है। तो ऐसे आहार को सात्विक, इस पे जो है ईवा शेलहव जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट है और फेलिस जैका, इन्होंने आहार पे बहुत सारी रिसर्च की। ईवा शेलहव ने पाया कि इस टाइप का आहार, जो सात्विक आहार जिसकी अभी बात कर रहे हैं, इसको खाने से हमारे शरीर में जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे आंतों में सबसे ज्यादा 95% बनते हैं, ये बहुत अच्छी अमाउंट में बनते हैं, और ये सीधे न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और वहां पे हमें प्रसन्नता, हमको प्रफुल्लता प्रदान करती है, हमारे अंदर बुद्धि का विकास करती है, हमारी IQ तेज करती है और स्मरण शक्ति तेज करती है। तो ऐसे फूड को विदेशों में उन्होंने मूड फूड का नाम दिया, और वो मूड फूड हमारे यहाँ क्या बोले जाते हैं, हमारे देश में उसे हम लोग सात्विक भोजन कहते हैं। तो ऐसे भोजन करने से, ये भोजन हमारा दाल चावल रोटी दूध दही लस्सी से बना हुआ
अंकुरित ताजे फल सब्जियों से बना हुआ जो आहार होता है, कम तेल मसाले वाला। इसको खाने से क्या है, मनुष्य को विनम्र होता है, क्षमाशील होता है, शांत चित्त होता है, एकाग्र मन वाला होता है, और उसका पित्त शांत रहता है, उसका जीवन शुद्ध होता है, आयु को बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, सुख और प्रसन्नता और प्रीति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार अगर माँ, भावी माता पिता अपनी भावनाओं को, संकल्प को शुद्ध करके एकदम पवित्र मन निर्मल से अगर सात्विक भोजन का ही अगर वो उपयोग करें, तो निश्चित ही वो एक महान मानव संतान को, एक महान संतान को जन्म दे सकती हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। हमारे छंदोपनिषद में लिखा है कि शुद्ध आहार करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चल बनती है, और इस निर्मल बुद्धि इसके द्वारा मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त। हमारे उपनिषदों में तो ये बोला है कि आप इस तरह का आहार ले रहे हैं तो आपको मुक्ति भी बड़े आसानी से मिल सकती है, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान इस बात को नहीं मानता है, पर इतना आधुनिक विज्ञान मान लिया कि इस तरह के सात्विक आहार, संस्कारित आहार लेने से हमारे मन पे और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ता है। अब राजसिक राजसिक भोजन क्या है? राजसिक भोजन वो भोजन है जो सात्विक भोजन हमने देखा, जो शाकाहारी भोजन, संतुलित शाकाहारी भोजन को अगर खूब तेल मसाले में डाल करके खूब भून के चटपटा बनाए, पूरे व्यंजन मिठाइयाँ, ये सारे पेस्ट्री, केक, व्यंजन मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे आपके राजसिक। हमारा गीता क्या बोलता है? ऐसे आहार खाने से दुख, चिंता, उत्तेजना, कामुकता, आवेश और तनाव पैदा करता है। ऐसे आहार को ग्रहण करते समय तकलीफ होती है और भविष्य में भी रोगों का सूत्रपात होता है। फेलिस जैका और इवा शेलहब ने इस पर रिसर्च करके ये पाया कि ऐसे भोजन को अगर खा रहे हैं आप, तो टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, सीरोटोनिन निकलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये जब आंतों में जाता है, हमारे बैक्टीरिया को दिक्कत करता है और इन्फ्लेमेशन आंतों में करता है, जिसकी वजह से सीरोटोनिन की मात्रा अचानक से घट जाती है, और जो है आप लो एनर्जी फील करेंगे, आपको डिप्रेशन होगा और कब्ज भी हो सकता है। तो इस और आपकी बुद्धि जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हिप्पोकैम्पस की साइज को ये छोटा कर देता है, और हमारा सात्विक आहार हिप्पोकैम्पस की साइज को इंक्रीज करता है, और तामसिक आहार भी सेम प्रोसेस, सेम जो है वो आपको प्रभाव डालता है। ये आहार कैसा है आपका? पुराना है, दुर्गंध युक्त, स्वाद रहित, अशुद्ध बचा भोजन, आंस मांस अंडा वगैरह, प्याज लहसुन से बना भोजन। गीता क्या कहती है? ये जो है उत्तेजना पैदा करता है, तनाव अशांति पैदा करता है, क्रोध और कामेक्षा को बढ़ाता है, शरीर और मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। हमने देखा सात्विक आहार से कैसे शरीर और मस्तिष्क को खुशी और अच्छा मिला, आपको आपकी आईक्यू अच्छी बनी, पर ये देखिए शरीर और मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। अगर जूठा खाते हैं तो संक्रमण बढ़ाता है। संस्कारित आहार क्या है? जैसे आहार के हमारे तीन शरीर, वैसे आहार के भी तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो है वो बाहर निकल जाता है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो जो है पच करके हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि बनते हैं। और आयुर्वेद में बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर पच के सात प्रकार के धातु बनाते हैं, रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा, वेद, और 6 प्रकार के रस बनाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त रस, और जो उसका कारण शरीर होता है उससे हमारा मन बनता है। तो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने बानी, जैसा गीता में कहा गया है। इसी में मसारू इमोटो जो जापानी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पानी पे बहुत सारी रिसर्च की और भिन्न भिन्न तरीके से रिसर्च करके, जैसे उन्होंने 2 बीकर में पानी लिया, एक को कुछ नहीं बोला, एक को अच्छी अच्छी बातें बोली, अच्छी भावनाएं बोली, उसको प्रार्थना किया, अच्छे वाइब्रेशंस दिया, चाहे मानसिक रूप से वाइब्रेशन किया, चाहे बोल करके, उसके बाद उनको वो किया, जमाया, और उसके क्रिस्टल का स्टडी करके देखा कि जिनको उन्होंने अच्छी भावनाएं दिया वो इतने खूबसूरत खूबसूरत तरह तरह के क्रिस्टल्स बने, और इस तरह का प्रयोग उन्होंने गंदे पानी को भी लेकर के किया, तो और जिसको कुछ नहीं बोला वो वैसा ही पानी रह गया, और जिनको अच्छी भावनाएं दी उसके अंदर सुंदर क्रिस्टल्स। तो उन्होंने ये अपना निष्कर्ष निकाला
कि पानी भी हमारे द्वारा भेजी गए भावनाओं को, भेजे गए विचारों को वो एक्सेप्ट करता है, अवशोषित करता है और उसके हिसाब से वो अपने आप को बदलता है। इसका मतलब क्या? हमारे शरीर में पानी है, हमारे भोजन में पानी है, तो हम भोजन में अगर अच्छी वाइब्रेशंस दें, उसको अच्छे विचारों को अगर हम दे रहे हैं, तो हमारा भोजन जो है वो हाई वाइब्रेशन वाला हो जाएगा, वो और अच्छा हो जाएगा, वो संस्कारित हो जाएगा। इसी को कहते हैं भोजन हमारा संस्कारित हो गया। पहले खाते उसका अलग, और जो अब खाएंगे संस्कारित करके, इसका हमारे अंतःकरण पे, हमारी भावनाओं पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये कैसे होना चाहिए? हमारा अधर्म की कमाई का ना हो, श्रम श्रम और ईमानदारी का पैसे का हो। भोजन जब आप बनाइए, ईश्वर का प्रसाद समझ करके बनाइए, और पवित्र शरीर से, पवित्र भावना, मन शांत, और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, महामृत्युंजय जो आपको आता है, अच्छी वाइब्रेशन के साथ, खुशी के साथ, उसको भगवान का प्रसाद समझ के बनाइए, और भगवान के साथ प्रसाद समझ के खाया भी जाता है। और अगर किसी तरह का निंदनीय आचरण का व्यक्ति या निकृष्ट सोच का व्यक्ति अगर भोजन के संपर्क में आता है, तो वो भोजन को प्रभावित करता है, जिससे मन प्रभावित होगा। यदि आप तनाव में हैं तो भोजन मत करिए, बैठ जाइए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, थोड़ा सा पानी पीजिए, फिर शांत हो जाइए, तब जाकर के भोजन को ऊर्जावान, गायत्री मंत्र पढ़ के पहले ऊर्जावान बनाइए, तब भोजन का, भगवान का प्रसाद समझ करके उस भोजन को ग्रहण करें। और जब भोजन बनाने के बाद आपको बलि वैश्य देव यज्ञ करना चाहिए। ये बलि वैश्य देव यज्ञ क्या होता है? आप एक बर्तन ले लीजिए, वह शांति कुंज में बर्तन मिलता है। आपने जो भोजन बनाया, भगवान का प्रसाद बनाया, अब भगवान को, देवताओं को, इष्ट को समर्पित करिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के साथ ये यज्ञ करके भोजन को और ज्यादा संस्कारित करिए। इसके लिए आप घर में एक कटोरी लीजिए, उसको आंच पे रख दीजिए, और जो पहला रोटी बनाया है उसको तोड़कर उसमें गुड़ और घी मिला करके उसको मैश करके 5 गोली बना दे। हर गोली को गायत्री मंत्र पढ़ के जो है उसमें डालना है, आंच पे जो कटोरी है, और हर गायत्री मंत्र के बाद आपको 5 बार बोलना है। और ये पहले मंत्र में आपको बताना है इदम ब्रह्मणेभ्यो इदम नमामः, और दूसरे में बताना है इदम देवेभ्यो इदम नमामः लास्ट में, और तीसरे में इदम ऋषेभ्यो इदम नमामः, चौथे में इदम नरेभ्यो इदम नमामः, पांचवे में इदम भूतेभ्यो इदम। इस तरह से उसको संस्कारित कर लीजिए अपने भोजन को, और संस्कारित करके आप खाइए और सबको खिलाइए, वो आपका भोजन हाई वाइब्रेशनल हो जाएगा। इसके साथ आपको भोजन में दैनिक क्रियाशीलता में संतुलन बना करके रखना है। कम से कम पौना घंटा आपको जो है टहलना है, व्यायाम करना है। तेल आपको पता है 5 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। नमक की मात्रा छोटी 1 चम्मच आप लीजिए। वसा और चीनी कम खाइए, इससे एनर्जी बहुत कम लेना है आपको, क्योंकि जो है चीनी बोन थीफ है। अपनी कैलोरी को आप ध्यान रखिए, 1600 से 1800 कैलोरी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वजन पे निगाह रखिए, अपना BMI के ध्यान रखते हुए उसी तरह का आहार लीजिए, और अपनी जो है एक्सरसाइज वगैरह करिए। सुबह सुबह उठ करके आप 2 चम्मच सत्तू ले सकते हैं, या 5 नग अखरोट, 2 नग 5 नग बादाम, 2 नग अखरोट और 2 छुहारा लेकर के एक सूक्ष्म नाश्ता कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सोने जाएं आप, तो 1 पाव दूध लीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके आप जरूर उसको पिए, वो आपको नींद अच्छी लाएगा। वो एंटी इंफ्लेमेटरी का काम, दर्द नाशक का काम करता है, और वो एंटी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आटे की पौष्टिकता आपको पता है कि कैसे, आटे में जो चना और सोयाबीन या जौ मिला करके आपको लेना है। परम आदरणीय गायत्री दीदी ने छोटी बुक में बहुत अच्छा जो है पीछे उन्होंने बताया हुआ है, आहार का पूरा उन्होंने बताया, कैसे इतनी मेहनत से बनाया है। अगर इसको कोई फॉलो करता है तो निश्चित उसका जो कैलोरी है 1600 से 1800 के बीच में रहेगा, कभी एक्सीड नहीं करेगा। जैसे हम एक दिन का पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग जो है ये जरूर बताइए, और जो महिलाएं हैं, भावी माताएं, इसके हिसाब से पढ़ के बुक कीजिए उनको, और अपने किचन में वो सारी चीजों को वो रख लेंगी, अपने हिसाब से बनाएंगी, अपने हिसाब के टेस्ट से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया सुबह उठ करके आपने अखरोट बादाम ले लिया है, और उसके बाद 1 कटोरी जो है आपको अंकुरित लिया, वो कटोरी अंकुरित लेने के बाद आप जब नाश्ता करने चाहे तो 1 कप एक पाव दही ले सकते हैं। फल में मान लिया 1 केला लिया, भरवा रोटी लेना है या उसके साथ सब्जी लेना पड़ेगा, दलिया लीजिए तो सब्जी वाली दलिया बनाइए 1 कटोरी। यानी कि जब भी अनाज टच करें, ध्यान रहे कि सब्जी लें, और वो सब्जी कैसे, हरी सब्जी होनी चाहिए, पत्तेदार सब्जी होनी चाहिए, उसमें जो है आलू वगैरह नहीं रहना चाहिए। दोपहर का भोजन आया, आप 2 रोटी खाइए, 1 कटोरी चावल खाइए, हरी सब्जी की 1 कटोरी रहे,
दाल एक कटोरी ले लीजिए, दही आधा कटोरी ले सकते हैं। शाम को एक फल कोई ले लीजिए, नाश्ता कर सकते हैं, या आधा कटोरी भुना हुआ चना ले लीजिए, या कोई सूप ले लीजिए, या मट्टा ले लीजिए। रात का भोजन हल्का होना चाहिए। मान लीजिए दो 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 रोटी लिया, हरी सब्जी की एक कटोरी लिया, दाल ले लीजिए, दाल नहीं है तो राजमा छोला ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए, या आप पनीर का कुछ ले लीजिए सूजी के रूप में। सूजी में जो निचोड़ करके, अगर सूजी खा रहे तो निचोड़ करके आप खाएंगे। तो इस तरह से आप टाइम टेबल उसको बता सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही आप लीजिए, प्रकृति में जो बनाया, ताकि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं उनकी गुणवत्ता पे, और उसकी पौष्टिकता जरा भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। आपका भोजन जो है ताजा होना चाहिए, तला भुना नहीं होना चाहिए, धीमी आंच में पका होना चाहिए, कम तेल मसाले में बना होना चाहिए। और निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अगर आप लेकर के पढ़ सकते हैं, जो वाङ्मय 39 है परम पूज्य गुरुदेव का, तो बहुत सारी आपको बातें मिल जाएंगी। खाएं कैसे? सूरज डूबने से पहले खा लें। यदि आप नहीं खाते, क्यों खा? क्योंकि हमारी क्रियाएं मंद पड़ने लगती है, हमारी जठरग्नि मंद हो जाती है, या रात्रि में सोने से 3 घंटा पहले आप भोजन कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो वो पूरे डाइजेशन डाइजेस्ट हो चुका रहे, इस टाइप के वो कंडीशन में आ चुका रहे। रात में जो है खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा टहलना चाहिए। भोजन करते समय मधुर संगीत सुनिए। भोजन, भगवान ने हमको 32 दांत दिए हैं, तो क्या करना है, भोजन को खूब चबा चबा करके खाइए, भोजन को पानी बना लीजिए, पानी करके पिए और पानी को खाएं। चाय कॉफी आपको कम लेना है, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। क्या नहीं खाना आप सबको पता है, मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना, किसी तरह का नशा करने से रहना, कोल्ड ड्रिंक आदि नहीं लेना है आपको, जो है चाय कॉफी कम करना है, मैदे मैदे से बनी चीजें नहीं लेना है, डिब्बा पदार्थ बंद पदार्थ नहीं लेना है, और अधिक तेल मसाले वाली चीजें नहीं लेना है, ब्रेड पिज्जा बर्गर मोमो ये चाउमीन जितनी चीजें हैं इसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके अंदर आपके बीज में जो है अच्छा श्रेष्ठ बीज नहीं बनेगा। बैगन कच्चा पपीता ये जो है इसको रखें फ्रिज में, पुराना रखा हुआ ये ना खाएं। आपको कुछ एक ऐसे आहार है जो बेमेल होते हैं, धीरे धीरे शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं, ऐसे आहारों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि दूध के साथ जो है दही है, नींबू आंवला, खट्टे पदार्थ नहीं ले, जामुन मछली नहीं लेना चाहिए। दही के साथ जो है दूध खीर ये मीठे व्यंजन जो है आप नहीं ले, गर्म पदार्थ नहीं ले। खीर के साथ क्या होगा, दही लस्सी नींबू जामुन खट्टे चीजों को नहीं ले, और शहद के साथ घी और वसा नहीं लेनी चाहिए। गर्म दूध या गर्म पानी में इसको नहीं लेना चाहिए, आप गुनगुने में इसको ले सकते हैं। उसके बाद हो गया गर्म शीतल जे में पेय में जो है आपको शहद या आइसक्रीम न खाइए, कुल्फी न खाइए, और घी जो है घी ठंडा पानी और शहद मिला करके घी कभी नहीं लेना चाहिए। और अगर घी आपका 10 दिन से किसी कांसे के बर्तन में है तो वो पॉइजन हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, उसके इस्तेमाल नहीं करिए। खरबूजा, खरबूज के साथ क्या है, दूध दही मूली का पत्ता आदि नहीं ले। तरबूज के साथ आपको पुदीना ठंडा पानी नहीं लीजिए, और चावल के साथ सिरका, उड़द की दाल के मूली, और केला के साथ मट्ठा ये नहीं ले। लेकिन कुछ एक चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वो डाइजेशन आपका अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे उड़द के साथ छाछ हो गया आपका, चना के साथ मूली, आंवला मूंग के साथ आंवला, अरहर के साथ कांजी, गेहूं गेहूं प्लस ककड़ी, मक्का प्लस अजवाइन, खिचड़ी प्लस सेंधा नमक, दूध प्लस मक्का का सूप, घी प्लस नींबू का जमीली नींबू का रस, आम प्लस दूध, केला प्लस घी, नारंगी प्लस गुड़, अखरोट पिस्ता बादाम लौंग के साथ, और गन्ना अदरक के साथ लेने से आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद। मांसाहार से क्यों बचे, ये बहुत जरूरी चीज है। हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर की संरचना है, ये मांसाहार के लिए नहीं बनी है। जब जानवर को पकड़ा जाता है उसको मारने के लिए, वो डर से, तनाव है, पीड़ा है, दुख है, इस भाव से वो बहुत कांपता है। कांपने से क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन कॉर्टिसोल बनता है, जो नस नाड़ियों को सिकोड़ देगा। आप उस मांस को खाते हैं, नस नाड़ियों को सिकोड़ जाएगा, जिससे हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ग्लूकोज बढ़ सकता है ब्लड में, और तो क्या होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आपके बीज में क्या जाएगा, दुख पीड़ा डर तनाव, इस तरह की भावनाएं जाएंगी। आप चाहेंगे कि आपके जो जो बन रहा है बीज ऐसा बने और आपका होने वाला बच्चा ऐसा हो?
कोई नहीं चाहेगा। इसके अलावा हमारे स्ट्रक्चर में देखिए, हमारी संरचना में हमारे दांत जो है, हमारे कैनाइंस हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, पर उनके कैनाइंस बड़े बड़े होते हैं जो मांस फाड़ने का काम करते हैं। और उनके लार, हमारे लार में क्या है, हमारा लार अल्कलाइन है, इसके अंदर टाइलिन है और एंजाइम्स होते हैं, तो हमारा स्टार्च का डाइजेशन जो है हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, पर उनका लार जो है एसिडिक होता है उनका, और उनके लार में कोई एंजाइम नहीं होती है। हमारा शरीर ही बना है देखिए कि स्टार्च से डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। और हमारे स्टोमिक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, उनके स्टोमिक में उससे 30 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उनके जो मांस है गया, वो पच गया, और उसके बाद आते उनकी बहुत छोटी इंटेस्टाइन होती है, वो फटाफट जो नहीं पचा वो बाहर निकल गया, लेकिन हमारी आते जो है बहुत लंबी होती है, और अधपचा जो मांस है, क्योंकि हर हर आहार को पचने का एक टाइम होता है, कोई 5 घंटे में पच जाता है, कोई 7 घंटे में, कोई 24 घंटे में, तो मांस बहुत देरी में पचता है, तो ये अधपचा मांस हमारे आंतों में जो है, जो 18 फीट की होती है, 6 मीटर के आसपास, तो ये उसमें सड़ता रहता है और जो है हमको रोग का सूत्रपात करता है। हमारी आंतें लंबी इसलिए बनी है कि हम फाइबर युक्त डाइट खाएं उसको पचाना और अवशोषण करने के लिए, तो इस तरह से हर तरह से मांसाहार उपयोगी नहीं है। अब आता है धूम्रपान और शराब। देखिए इसमें जो है कुछ भावी पिता क्या बोलते हैं कि धूम्रपान मैं कर रहा हूं उसको क्या, लेकिन जो पैसिव होते हैं उनको जो है और ज्यादा नुकसान करता है। और ऐसा मत समझिए कि आप ही का शरीर खराब होगा धूम्रपान से या शराब से, आपका शरीर तो खराब होगा ही, लेकिन आपके बीज में भी जाएगा उसका कुप्रभाव, और आने वाला जो बच्चा होगा वो उससे प्रभावित होगा, और उस बच्चे का भी बच्चा प्रभावित होगा, यानी कि ये 2-3 पीढ़ियों तक जा सकती है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए, आपको आपको इन चीजों से, इनसे बचना है, धूम्रपान और शराब से। इसके से क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन हो सकती है, गर्भधारण में देरी हो सकती है, अगर गर्भ धारण हो गया तो एबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, या समय से पहले प्रसव हो सकता है, मृत बच्चे का जन्म हो सकता है, तो IUGR हो जाएगा, बच्चे का जो है विकास अच्छे से नहीं होगा, बच्चा छोटा पैदा होगा। इसके अलावा क्या होता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जो हमारा फर्टिलाइज एग होता है वो जाता है गर्भाशय में जाके पहुंचता है, लेकिन ये नशे की वजह से जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है जहां से निकलता है अंडा, वो फर्टिलाइज एक वो सकरा हो जाने की वजह से फेलोपियन ट्यूब में ही फंस जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, और वो बढ़ेगा तो वो ब्लास्ट कर जाता है। तो इस तरह से, और इसके साथ क्या होगा, कंजेनाइटल एनामलीज हो जाती हैं, जैसे बच्चे का दिमाग का, आपकी आंखों का, देखने का, सुनने का, दिल का, किडनी का, ये सब जो है जन्मजात, इसको विकार कहते हैं, ये हो जाता है बच्चे का। क्लेफ्ट लिप हो गया, जो होठ उसके फटे रहते हैं, तालू फटा रहता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, इस तरह से उसके देखने सुनने समझने सब क्षमताएं जो है बच्चे की ये हो जाती है, कभी कभी अचानक मृत्यु हो जाता है, और प्लासेंटल एब्रप्शन हो जाता है, प्लासेंटा जो है वो बच्चेदानी से, अरे गर्भाशय से छूट जाता है, तो भी ब्लीडिंग हो जाएगी और बच्चा और माँ को भी खतरा हो जाएगा। शराब, शराब से भी लगभग सेम कुप्रभाव होते हैं, आपका कम वजन का बच्चा हो जाएगा, समय से पहले प्रसव हो सकता है, और गर्भपात हो सकता है, मृत बच्चे का जन्म हो सकता है, और कंजेनाइटल एनामली जिसको जन्मजात बीमारी कहते हैं, कि जो है किडनी की, हार्ट की, देखने सुनने की शक्ति, ये सारे जो है उसकी कम रहेंगी, और ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का बच्चा है, इसका चेहरे का पूरा जो है इसका बाधित है, विकास बाधित है। इसके अलावा इसका शरीर जो है विकृत हो चुका है, इसके जो है सीखने समझने, इसकी बुद्धि, एकाग्रता, भाषा, ये सारा कुछ इसका जो है डेवलप नहीं हुआ है, ये बहुत ही मंद बुद्धि बच्चा है। इसके अलावा कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, सुनते नहीं है बातों को, एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, वो जो है उनको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, ADHD बच्चा, जो आजकल बहुत हो रहा है, और वो दिमाग से भी वो कमजोर होते हैं। तो इस प्रकार जो है, अगर आप अपने खाद्य की योजना में हर तरह के चीजों को शामिल करते हैं, जैसे कि अनाज लीजिए तो आप हर तरह के अनाज लीजिए, दाल लीजिए हर तरह की दाल लीजिए, बीन्स लीजिए हर तरह की, आप राजमा हुआ, सोयाबीन हो गया, आदि हो गया, अंकुरित लीजिए, फल आपको रंग बिरंगी सभी फलों को लेना है, हर तरह की सब्जियां लेना है, पत्तेदार सब्जी लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, रंग बिरंगी सब्जियां लीजिए, उसके अलावा पनीर, हाँ
पनीर, अंगूर, पपीता, ब्लूबेरी, केला, नींबू, अनानास, सेब, पालक, दही, काजू, अखरोट, ये सारे लीजिए। दूध और दूध से बने पदार्थों को लीजिए। टोफू लीजिए, सोया मिल्क लीजिए। हर्ब्स हो गया आपका, धनिया पत्ती, पुदीना, करी पत्ता हो गया। मसाले कम लीजिए, अजवाइन लीजिए पेट के रोग के लिए। और हल्दी, आपको पता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, ये दर्द नाशक का काम करता है, जोड़ों के दर्द या सूजन इसको दूर करता है, ये आप लीजिए। बीजों को लीजिए जिसमें आपको सूखा मेवा हो गया, अलसी के बीज, कद्दू बीज, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड, ये सारे सीडों को लीजिए। आप घी तेल, आपको पता है कि 5 चम्मच लेना है, और पानी जो है आप 10 से 12 गिलास लें। इस तरह से अगर आप स्वस्थ योजना अगर अपनी बनाते हैं, और आप दोनों, आप भावी माता पिता दोनों संतुलित सात्विक और संस्कारित आहार लेते हैं, और अपने चिंतन विचार भावनाओं को, अपने दिनचर्या को, अपने वातावरण को उत्कृष्ट बनाते हैं, तो आपके अंदर बनने वाले गैमिट्स में श्रेष्ठ गुणों का रोपण होता चला जाएगा, और एक श्रेष्ठ प्रतिभावान, संस्कारवान संतान के माता पिता होने का आप गौरव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।